नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी और मैं हूं ऋतुबिष्ट। बीजेपी की आयरन लेडी सुषमा स्वराज के निधन से देश भर में शोक की लहर है। हार्ट अटैक के चलते देर रात एम्स में उनका निधन हो गया। सुषमा स्वराज के निधन से बीजेपी के साथ साथ ही तमाम पार्टियों के नेताओं ने उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके घर में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर कई राजनेताओं समेत लोगों का आने का सिलसिला जारी है। सुषमा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे लोधी रोड स्थित श्रद्धा गृह में किया जाएगा। वहीं से पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी मुख्यालय में रखा जाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में सुषमा स्वराज के घर पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज पिछले 3 दशकों से बीजेपी के मुख्य महिला चेहरे के रूप में पहचानी जाती रही। सुषमा स्वराज बेहद शानदार, बेबाक और जबरदस्त व्यक्तित्व वाली मंत्री होने के साथ साथ एक बेहद संजीदा इंसान भी थी। वो अपने जिंदा दिल और दरिया दिल स्वभाव के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। निधन के सिर्फ 3 घंटे पहले ही सुषमा ने ट्वीट किया था। उन्होंने अपने अंतिम ट्वीट में कश्मीर पर सरकार के कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। उन्होंने कहा था कि वो इस दिन का पूरे जीवन भर इंतजार कर रही थी। सुषमा स्वराज के निधन पर अफगानिस्तान, फ्रांस, नेपाल समेत कई देशों ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सुषमा स्वराज का निधन देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भारतीय राजनीति में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आप देखते रहिए R9 टीवी।